Hello everyone, welcome to this video which is of chapter number 3. This chapter is for the commerce stream of 12th standard IT subject, and the chapter name is Computerized Accounting with GST. Now in this chapter of Computerized Accounting with GST, what we are going to learn is about its introduction, what is accounting software and how we need to manage it with the GST, what is the process of accounting software, then different accounting packages, practical application of accounting software, important concepts under GST, GST calculation using different accounting packages, GST on goods with example, and GST on services with example. Now here in this chapter, there are some of the topics which are reduced. So the topics are from here, chapter number 3, and that is with your page number 46 to 50. So the video is already available, you can check for that reduced syllabus कौन सा है and accordingly you can go ahead. जो reduced syllabus है वो तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जितना important अभी के लिए that we will start because already you have less time and हमारा ये chapter अभी भी बाकी है. So students will start with the introduction. What is GST and how we are going to manage it with the accounting software that we are going to check. We all know कि अभी अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी शॉप में जाएंगे, कोई भी मॉल में जाएंगे, कहीं पे भी स्मॉल मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, तो एवरीथिंग कन्वर्टेड ऑनलाइन एंड वी आर हैविंग वेरियस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज करने वाले बंदे वहां पे, जो दोस्त हुआ गिविंग अस रिसिप्ट्स ऑनलाइन, इवन आप अपना नंबर बताते हैं तो आपको बिल भी जो है वो आपके मोबाइल पे आ जाता है. यू नीड नॉट टू इवन कलेक्ट द हार्ड कॉपी एंड ऑल. सो ये सारी चीजें जो हुई है, दिस इज व्हाट द रिवॉल्यूशन इज इनटू द टेक्नोलॉजी एंड इनटू इवन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. सो जब भी आप कोई शॉप्स में विजिट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस एंटिटीज में, आप चेक कर रहे हैं कि दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किया जाता है टू मेंटेन अकाउंट्स, टू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोसेसेस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. यहाँ ध्यान दीजिए. सो व्हाट इज दिस, ये क्या बोला गया है कि जब भी कोई कंप्यूटराइज सिस्टम हम लोग अगर चेक करते हैं जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए रहेगा, तो उसमें सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो किए जा सकते हैं जो एक्सेप्टेड किए जाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल से. सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज गैप टू प्रोड्यूस रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट. तो जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, कैसे वर्किंग होता है, तो कैसे वर्किंग होता है उसके लिए एक फ्लो चार्ट दिया है, हम लोग चेक करेंगे. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस. अब ये जो कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस है, लिब्रे ऑफिस के साथ में हमने पढ़ा है, या फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर जीएनयू खाता पढ़ा था. जीएनयू खाता जब हमने पढ़ा है तो उसमें कंपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है एंड ऑल, ये सारी चीजें हमने देखी थी. फिर से इस बार हम लोगों को उसके ऊपर में वापस आना ही है. अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में एंड द टॉपिक व्हेन इट विल कम विल गो फॉर जीएनयू खाता टू. अब जीएनयू खाता के लिए या फिर कोई भी अगर हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, डेटाबेस पहले होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कस्टमर के भी अगर आप एंटिटीज ऐड कर रहे हैं, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल डीमार्ट का अगर हम लोग लेते हैं, तो डीमार्ट में आप जाते हो, चेक करते हो, तो जो भी स्कैन होगा, कोड स्कैन होगा, उस हिसाब से उसका प्राइस ऐड होता है. सिमिलरली हर जगह पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो यूज करके आपको रिसिप्ट दिया जा रहा है, इफ दे नीड टू टेक आउट कि आज दिन भर में कितना परचेस सेल हो गया है, तो वॉट दे विल डू, दे विल जस्ट टेक एंट्री करेंगे डेट का एंड आज के जो भी रिसिप्ट है या फिर बिल जो जनरेट हुए है उसका टोटल अवेलेबल किया जाएगा. तो द बाय यूजिंग क्या हो रहा है, ये सब कुछ बाय यूजिंग डेटाबेस हो रहा है. तो क्या होगा कि बैकएंड में जो है डेटाबेस, इट विल बी वर्किंग फॉर द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच विल बी मैनेजिंग दैट डेटाबेस एंड दैट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन विद अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो सॉफ्टवेयर में किया जाएगा, विच विल मैनेज योर एप्लीकेशन विच इज स्टोर्ड डेटाबेस के लिए रहेगा, जो डेटाबेस का एंट्री हुआ है उसके लिए रहेगा. तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ये सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करेगा, फंक्शंस को मैनेज करेगा, सो वो अवेलेबल होता है, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है. तो सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, बट ऑब्वियस इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम. अब ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, तो एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम बना रहा है जो डेटाबेस को मैनेज करेगा, कौन सा पर्पज के लिए, तो अकाउंटिंग के लिए. सो इट इज गिवेन ओवर हियर द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग द ट्रांजेक्शन डेटा इज स्टोर्ड इन द वेल ऑर्गेनाइज डेटाबेस.
The user operates on such database using the required and desired interface and also takes the desired report by using transformation of stored data into information. जैसे कि मैंने अभी बोला कि दिन भर के एंट्रीज कितने हुए हैं, क्या हुआ है, डेट वाइज रिकॉर्ड बनाना है, मंथ वाइज रिकॉर्ड बनाना है, ऑल द रिपोर्ट्स क्रिएशन बाय एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर वो जनरेट कर सकता है बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इनटू द डेटाबेस. अगर आप डीमार्ट में हो, कोई प्रोडक्ट पे अगर कोड दिख नहीं रहा है, वो स्कैन नहीं हो रहा है, तो वो क्या बोलता है कि दूसरा आइटम लेके आ जाइए जिसके ऊपर में प्राइस टैग लगा हुआ होगा, डीमार्ट वाला स्टिकर लगा हुआ होगा. तो क्या हो रहा है इसका मीनिंग कि उसके लिए क्या किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट जनरेट डिफरेंट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए उसके कोड्स तैयार किए गए हैं एंड उस हिसाब से वो डेटा को विद दैट कोड स्टोर किया गया है डेटाबेस में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो डेटाबेस को रीड करना पड़ेगा. सो फॉर दैट दैट कोड्स विल बी वर्किंग एंड दैट वे देयर आर डिफरेंट रिपोर्ट्स विच वी कैन जनरेट बाय यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद द बैकएंड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसके एप्लीकेशंस क्या रहेंगे, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट records and process accounting transaction within functional module such as account payable, मैंने अभी बता दिया आपको, account receivable, journal, ledger, जो entry रहेगा general ledger, then payroll, then trial balance. So these all are the things which you people, especially commerce students, they all know about all these things. And you are working already on the accounts का subject. You are studying accounts, OCM, so ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए काफी familiar है, ये कह सकते हो. Now ये जो मैंने अभी बताया database का functioning या फिर कैसे generation होता है, अब उसका process exactly कैसे रहेगा, working कैसे होगा, तो we all know कि कोई भी अगर हम लोग software बोलेंगे, कोई भी system बोलेंगे, तो what is the formula to understand the software, how it will process, it will take the input, it will process it and it will generate the output. तो I PO के साथ में कोई भी सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट होता है. नाउ क्या हो रहा है रे यहाँ पे, देखो इनपुट क्या है, तो बट ऑबियस रॉ मटेरियल यानी डेटा. तो इनपुट डेटा इज इनटू द मास्टर, ओके, देन इट विल गेट प्रोसेस विद द एंट्रीज एंड व्हाट इट विल जनरेट द आउटपुट इनटू व्हिच फॉर्म, इनटू द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स. जैसे कि अगर हमने बोला कि मास्टर में क्या अवेलेबल रहेगा, तो उसमें अवेलेबल रहेगा लेजर, ग्रुप, वाउचर, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल रहेगी. एंड जब उसके एंट्रीज प्रोसेस करना है, तो एंट्रीज किस फॉर्मेट में प्रोसेस होंगे, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंटरी वाउचर एंड इनवॉइस. सो ये एंट्रीज उस फॉर्मेट में प्रोसेस किए जाएंगे. नाउ व्हेन इट विल जनरेट द आउटपुट, वो आउटपुट किस फॉर्मेट में जनरेट करेगा, प्रॉफिट लॉस हो रहा है क्या नहीं, बैलेंस शीट क्या है, मीन्स कितना बैलेंस है एंड ऑल, डे बुक, डेली एक्सपेंसेस एंड ऑल, ट्रायल बैलेंस, जीएसटी समरी. सो ये जो सारी चीजें हो रही है, यहाँ पे जब मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करती हूँ, तो डेटा क्या कर रहेगा, लेजर, ग्रुप, ये सारी चीजें. एंड प्रोसेस क्या होने वाली है, तो अकाउंटिंग करना है वाउचर का, इन्वेंटरी वाउचर, इनवॉइस बनाना है वो, और आउटपुट क्या रहेगा, तो रिपोर्ट जनरेशन फॉर ऑल दिस थिंग्स. सो दिस वे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करेगा. नाउ ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. एंड ये जो इसके आगे का डिस्कशन भी करने वाले हैं ना हम लोग, ये बेस्ड ऑन दिस ही है. नंबर वन क्या है तो उसका एक्सप्लेनेशन, नंबर टू क्या है तो उसका एक्सप्लेनेशन एंड ऑल. सो अब ये प्रोसेस होता कैसे है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, वी ऑल नो क्या, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा कोई भी प्रोसेस, सिस्टम, कोई भी चीज जो है वो तीन चीजों पे बेस्ड होता है, दैट इज आईपीओ जो हमने अभी देखा, दैट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इनपुट ऑफ डेटा, प्रोसेस ऑफ एंट्रीज एंड आउटपुट ऑफ रिपोर्ट्स, डेटा इनटू द फॉर्म ऑफ मास्टर. नाउ जब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का चेक करती हूँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रोसेस, सो द फर्स्ट प्रोसेस इज क्रिएशन ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. हम लोगों ने लास्ट ईयर जीएनयू में पढ़ा था, कितना याद है आप लोगों को आई डोंट नो, बट येस क्रिएशन ऑफ कंपनी विल बी द फर्स्ट. आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर में देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि हाउ वी विल रिलेटेड टू द फर्स्ट थिंग इज क्रिएशन ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विद योर नेम एंड द डिटेल्स जो सारे उसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे प्रोफाइल जनरेशन के लिए. दूसरा जो स्टेप दिया गया है, दैट इज क्रिएशन ऑफ लेजर गिविंग एप्रोप्रिएट ग्रुप्स. डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाना पड़ेगा ना, जैसे अगर हम लोग हमारा सिंपल से कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, और कॉलेज में हमारे पास में तीन डिफरेंट स्ट्रीम्स अवेलेबल है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तो हम लोग क्या करेंगे रे, सबका एक साथ लेंगे क्या, नहीं, 11वीं 12वीं का एक साथ
फीस लेके सब हम लोग मेंटेन करेंगे क्या रिकॉर्ड्स? नहीं, तो हम लोग उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे. सो दोज डिफरेंट ग्रुप्स इज द फॉर्मेशन क्रिएशन ऑफ लेजर गिविंग डिफरेंट एप्रोप्रिएट ग्रुप्स. देन क्या करेंगे? तो करेक्ट वाउचर सिलेक्ट करेंगे कि एग्जाम फीस ले रहे हैं या फिर एडमिशन फीस ले रहे हैं या फिर क्या, तो उस हिसाब से उसके एप्लीकेशन किए जाएंगे, वाउचर्स बनाए जाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है या फिर जो भी कुछ रहेगा, तो वो सारे वाउचर्स जो है वो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर इट विल बी ऑन थर्ड लेवल. अब जो भी आप वाउचर सिलेक्ट करते हो उस पर जीएसटी लागू होता है, हर एक का परसेंटेज डिफरेंट है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट. तो उस हिसाब से उसका जीएसटी कैलकुलेशन होगा. जीएसटी कैलकुलेशन होने के बाद में वो वाउचर में एड किया जाएगा पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन टू अकाउंट टिंग इन्वेंट्री वाउचर. जो भी वाउचर जनरेट हो रहा है उसमें ये सारी चीजें ऐड की जाएगी. एंड देन क्या होगा? देन रिपोर्ट्स बनेंगे, जैसे कि बैलेंस शीट्स, इनकम या एक्सपेंसेस कितना है, कैश फ्लो कैसे हो रहा है, बैंक का फ्लो स्टेटमेंट क्या रहेगा, उस हिसाब से अकाउंट जनरेट किया, अकाउंट के लिए रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा एंड देन वो रिपोर्ट को प्रिंट किया जाएगा. बहुत सिंपल तरीके से ध्यान में रखो, सबसे पहले क्या रहेगा तो क्रिएशन ऑफ कंपनी, दूसरी क्या रहेगा तो जनरेट करना है, हमें क्रिएट करना है लेजर, लेजर में अप्रोप्रिएट ग्रुप्स को डिसाइड करके लेजर जनरेट करना है, तीसरा क्या हो रहा है तो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर हो रहा है, उसके बाद में जीएसटी कैलकुलेशन हो रहा है, वो ऐड किया जाएगा एक्जिस्टिंग वाउचर में, रिपोर्ट जनरेट किए जाएंगे, बैलेंस शीट ये वो जो फॉर्मेट दिए गए हैं उस तरह से, एंड फिर वो रिपोर्ट्स को प्रिंट किया जाएगा. सो दिस वे इन टू दिस स्टेप 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस होता है, दैट इज दीज आर द प्रोसेस, दीज आर द वेरियस प्रोसेसेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. नाउ वन बाय वन हमें देखना है कि इसमें क्या होता है. अभी नाउ क्रिएशन ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? क्या होगा? नाम दिया है उसी तरह से एग्जीक्यूशन होगा. क्या होगा? तो क्रिएशन ऑफ कंपनी होगा. देखो क्रिएशन ऑफ कंपनी में क्या बताया गया है, क्रिएटिंग अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन. मैंने जैसे आपको बताया कि आपको प्रोफाइल कैसी बनानी है, कंपनी का नाम कैसे देना है, कौन से डेट में जनरेट हुआ है, उसका मेल आईडी क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा ना. सो क्रिएशन ऑफ कंपनी में क्या क्या आएगा? तो प्रोवाइडिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ओके, व्हिच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन, किसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, वो कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. व्हाइल क्रिएटिंग अ कंपनी फील्ड्स लाइक कंपनी का नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, बुक्स बिगिनिंग जो है वो कौन से डेट से कौन से डेट तक, और फिर उसका ऑथेंटिकेशन. ऐसे ही खोल के रखोगे क्या सारे रिकॉर्ड्स? नो, वी विल बी नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फॉर दैट. सो हम लोग पासवर्ड जो है वो उसको लगा के रखेंगे. इन सम अकाउंटिंग पैकेजेस पासवर्ड सिक्योरिटी मेजर्स कैन बी अप्लाइड टू कीप डेटा सेफ एंड सिक्योर. डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, लॉग इन आई डी, पासवर्ड, सेफ एंड सिक्योर अकाउंट. सो ये मेंटेन करना जरूरी रहेगा. सो दिस इज अबाउट क्रिएशन ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दूसरा जो दिया गया है क्रिएशन ऑफ लेजर्स. नाउ क्रिएशन ऑफ लेजर्स में क्या होगा? सो दिस इज अ मॉडर्न वे ऑफ मैनेजिंग अकाउंट्स कॉल्ड सिंगल लेजर. कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज बीइंग फॉलोड. ऑल फाइनेंशियल एंट्रीज आर मेड यूजिंग लेजर्स और अकाउंट हेड. लेजर अकाउंट्स आर क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस ग्रुप्स इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई अकाउंट हेड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. इतना सब कुछ मुझे नहीं समझ में आता है, बहुत क्लियरली बताती हूँ आप लोगों को. मैंने एग्जाम्पल दिया आपको आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम में 11वीं 12वीं है, उस हिसाब से डिवाइड करो, लेजर बनाओ, अलग अलग ग्रुप्स बनाओ उसके, और ग्रुप्स में जो एंट्रीज है उसके उसमें होते जाएंगे. जो यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप्स कैसे फॉलो करना है क्या नहीं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था. हम लोग देखेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे. मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल. ओके, सो मूविंग अहेड, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर तीसरी प्रोसेस दी गई है जो हमें चेक करना है कि क्या होता है. अब वाउचर जब हमें सिलेक्ट करना है तो वाउचर क्या रहेगा? तो ये दिस इज अ वाउचर इज प्री नंबर्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजैक्शन. डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर्स का सिलेक्शन होगा. एवरी वाउचर मेंटेन्स इट डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड. एड क्या हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है, ओके, रिकॉर्ड्स. देयर आर प्री डिफाइंड वाउचर्स टाइप्स फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. And care must be taken to select appropriate voucher type. Otherwise, there may be an error into gross, net, profit or loss. So, vouchers के types कैसे रह सकते हैं वो हम लोग अभी यहाँ पे check करने वाले हैं कि type क्या रहेगा और उसका use जो है वो कैसे तरह के recording करने के लिए होगा, entries करने के लिए होगा.
सो टाइप्स ऑफ वाउचर्स क्या रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स, परचेस, कॉन्ट्रा, जर्नल एंड ऑल. सो यहाँ पे रिसिप्ट का यूज क्या रहेगा, यूज फॉर विच रिकॉर्डिंग, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ कैश. इस तरह से हर वाउचर का क्या यूज रहेगा वो हमें यहाँ पे बताया गया है. फिर उसके एंट्रीज कैसे किए जाएंगे वो है यहाँ पे. नाउ द थर्ड थर्ड में अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड ये था अपना सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर. नाउ द फोर्थ वन इज जीएसटी कैलकुलेशन. अब देखते हैं हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन में क्या बताया गया है. सो व्हाट इज देयर इन जीएसटी कैलकुलेशन. जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट. जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया. द एक्ट केम इन टू द इफेक्ट ऑन 1st July 2017. जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स. वी विल स्टडी अबाउट द जीएसटी कैलकुलेशन इन दिस चैप्टर. कैसे करना है, क्या करना है वो हम लोग इसमें देखेंगे. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर टाइप ऑफ मटेरियल के हिसाब से या फिर जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से जीएसटी कैलकुलेशन इज डिफरेंट. नाउ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन टू अ वाउचर क्या दिया है इसमें. पोस्टिंग अ ट्रांजेक्शन थ्रू अ वाउचर इज कॉल्ड वाउचर एंट्री. वाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन थ्रू द वाउचर द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड अलॉन्ग विद द अमाउंट. वी कैन टाइप narration which is optional. We can add any number of debits and credits in a voucher entry depending upon the transaction. Steps kya hai voucher entry ke, ab isme voucher entry kaise karne ka hai, to pehle ledger create karo, appropriate voucher ka type select karo, voucher ka date add karo and then after selecting it into the voucher date, debit the account name, kaun sa aapne entry kiya hai, us hisab se kahan se minus karna hai wo check karna padega. So here now it will be creation of ledger with appropriate groups and then उसमें एंट्री करना है, voucher type select करना है, voucher menu में check करना है, then voucher का date हम लोग check करेंगे और फिर क्या करना है, then उसमें हम लोग enter करेंगे कि कितना amount हम लोगों को debit हुआ करना है या फिर क्या, और उस हिसाब से then कितना balance है, credit के कुछ है क्या, उसका amount आएगा and then we will save. तो इस तरह से there are posting के लिए there are different steps जो आप लोग already accounts में करते हो. So it is the same as into the software also. अगर हम लोगों को check करना है कि उसके reports जो है वो कैसे display किए जाएंगे, तो reports display करने के लिए there are different formats जिसमें हम लोग बोलेंगे कि वो reports कैसे create होंगे. तो from the available database data जो entry कर रहे हो आप, उससे हम लोगों को details मिलेंगे, like trial balance हो गया, profit and loss account हो गया, balance sheet, the day book, then GST report. Trial balance में क्या आएगा, it will provide you a report with debit and credit balance of the ledger account. Profit and loss account में क्या होगा, so this report gives the final working result of the business with net profit or net loss. Then balance sheet, it is a statement showing assets and liabilities of the business concerned. Then a day, the day book, इसमें daily vouchers transactions जो है वो पता चलेंगे. Then GST report print जो है वो समरी देगा आपको, जीएसटी कितना पे हुआ है आपके थ्रू एंड ब्रोकन डाउन बाय द वेरियस टैक्सेस, उसका जो बाइफरकेशन है वो हम लोगों को मिलेगा. सो रिपोर्ट्स क्रिएशन के लिए जो फॉर्मेट रहेंगे, रिपोर्ट जनरेट जो होगा वो ट्रायल बैलेंस पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, बैलेंस शीट पे, द डे बुक, जीएसटी रिपोर्ट, इन सारे लेवल्स पे, इंटरवल्स पे हम लोगों को रिपोर्ट्स क्रिएट होके मिलेंगे. And then it comes for printing of various reports. Now printing of financial and inventory reports is advisable for the future reference. It is also useful for accounting audit reports and documents generated through the accounting software can be printed. So कौन से reports ये print होंगे? So in this way printing of financial and inventory reports will be advisable for the future references and accordingly what we will do is we will check with the accounting software that how reports are available into various printing softwares and even to various accounting softwares. Now if you will go with this different accounting packages, here this topic is reduced from your syllabus. So this topic is not available this year. Then GNU Khata is also there, Ledger SMB is also there, which is not available for this year. Then GNU Cash, it is also reduced. Then it is reduced up to this. So up to figure 3.7, the different software packages reduced for this syllabus, for this chapter.
And now it is with the different case studies and examples which we need to check for GST implementation and calculations. So we'll go for those examples into our next lecture. Till that time, just take the important topic of today, which is the process of accounting software and the steps which we are following for accounting software. So what are the steps we are following into accounting software? There are 7 steps which we have checked. So what are the steps? That is creation of company or organization, creation of ledger, giving appropriate groups, selection of correct voucher, then GST calculation, posting the entries, and then creating reports into various formats and printing those reports. So for this lecture, we'll stop here and we'll meet into another lecture where we will check for the further topics of this chapter. Till that time, thank you for watching.